फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं श्वेता अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह से, और आज किचन से स्टार्ट हुआ है व्लॉग, क्योंकि मैं बना रही हूं अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूं चने और चाय, क्योंकि आज सैटरडे, आप सबको पता ही है, इसलिए मैंने रेसिपी नहीं रिकॉर्ड करी है। पहले भी लास्ट सैटरडे में रेसिपी मैंने डाली थी। तो बस अभी टाइम 9:15 के आसपास का हो रहा है। पीयू के डैडी जिम गए हैं, पीयू को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, वो चने एंजॉय कर रही है और मैं बना रही हूँ अपनी चाय। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं चाय बनाने के लिए मैंने बनाना शुरू किया तो देखा अदरक ख़त्म हो गई थी, और कल मुझे याद नहीं था कि मुझे अदरक लेके आना है। कल मैं रात में सब्जियाँ लेकर के आई हूँ लेकिन भूल गई अदरक लाना। तो खैर कोई बात नहीं, आज मैंने इसमें एक लौंग, एक इलायची डाली है, एक लौंग और एक काली मिर्च डाली है। इलायची नहीं डाली, इलायची वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे ना वो एक्स्ट्रा मीठी लगती है। एक मिनट, चाय मेरी उबल रही है। तो चाय मेरी उबल रही है और हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मुझे इलायची वाली जो चाय है ना, वो थोड़ी एक्स्ट्रा मीठी लगने लगती है, पता नहीं क्यों। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मुझे तो मतलब इलायची वाली चाय थोड़ी मीठी लगती है, इसलिए मैं इलायची नहीं डालती अपनी चाय में। और चाय बन गई है, चलिए फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है आज। और पीहू मेरा वेट कर रही है, वो बोल रही है मम्मा जल्दी आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो बच्चे ऐसा बोल देते हैं तो बस दिन बन जाता है और बस दिल जीत लेते हैं ये बच्चे। तो ये देखिए यहाँ पे भी सारा मैस फैला हुआ है, वो पीहू के डैडी का है और इधर पीहू बैठी है। पीहू हाय। हाय, मैं हाँ से तो पीयू ने भाई बोल दिया है कि अभी वो नाश्ता कर रही है, उसके बाद वो आपसे मिलती है। तो चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ और ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का, हेल्दी हेल्दी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी आफ्टरनून हो गया है और आज मैं सब्जी बना रही हूँ मटर मशरूम की। तो मैंने मशरूम को कट कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसको नमक डाल के उबलने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो इसकी गंदगी जो है वो हट जाएगी, क्योंकि मशरूम आप लोग को पता ही होगा काफ़ी गंदे हो जाते हैं, गंदे रहते हैं। तो ये देखिए मेरा मसाला भी यहाँ पर फ्राई हो रहा है, और एक्चुअली मैंने मसाले की रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं, क्योंकि एक फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन पर बात करने लगी और वही इसका ग्रेवी जो है, मसाला है, ये वही है जैसे कि पनीर की सब्जी का आप लोग बनाते हैं तो आप वैसे ही बना सकते हैं। तो बस ये मैं देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल रही हूँ, मेरे पास पनीर रखा था, मटर मैंने काट के बॉईल कर लिया है और ये मेरा मशरूम है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे मसाले के साथ अच्छे से डाल के भून लूँगी, और लास्ट में मैंने गैस ऑफ करके इसमें मलाई डाली है, क्योंकि तो बहुत अच्छा इससे टेक्सचर आ जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मलाई डालने से, क्रीम सा, क्रीमी क्रीमी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसमें मलाई डाल के इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और जब ये तेल छोड़ने लगेगा तो समझ जाइए, मतलब घी छोड़ने लगेगा तो आप समझ जाइए कि हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। तो देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है, अब मैं डाल दूँगी इसमें मटर, फिर मशरूम और पनीर, सब कुछ डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी, और फिर उसके बाद ग्रेवी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी थिक या पतली ग्रेवी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, एक्चुअली जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मैं बिल्कुल ठीक थी, बट दो दिन बाद ही मुझे कोल्ड हो गया है, और आज दिन है मंडे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ डिफरेंस लग रही होगी। तो मैं
मैंने अभी इसमें पानी डाल दिया है, और आप चाहें तो आप दूध की ग्रेवी भी बना सकते हैं या फिर दूध पानी मिक्स करके भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पानी ही डाला है। और ये देखिए अब इसमें मेरी सब्जी में बॉयल आने लगा है, तो मेरी सब्जी जो है मटर मशरूम की बन गई है। और अब मैंने इसमें धनिया पत्ती भी डाल दिया है गार्निशिंग के लिए, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आने वाली है मेरी सब्जी में। और मैं आपको बताऊँ तो सब्जी टेस्टी बनी थी, काफ़ी अच्छी बनी थी, और मैंने रोटियाँ बनाई थी वही अपने आटे वाली। तो चलिए फिर खाना लंच हो जाता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और टाइम हो रहा है 5:30, और दोपहर में मैंने बस लंच का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि मैं क्या बना रही हूँ, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं मॉल जाने के लिए, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग के लिए। तो बस ऐसे थोड़ा बहुत घूमेंगे, थोड़ा विंडो शॉपिंग, थोड़ा शॉपिंग, ऐसा देखते हैं क्या क्या लेते हैं। जो लूँगी वो मैं आपको आगे व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। और तो बस चलिए साथ में चलते हैं। पीहू भी यहाँ पे रेडी हो गई है, ये देखिए पीहू, हाय। पीहू तैयार हो गई है और हम तीनों लोग तैयार हैं, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मॉल के लिए, और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो देखते हैं कि क्या क्या कलेक्शन आया है, और बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र चल रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोग शॉपिंग करते हैं, या फिर यहाँ मॉल में क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन है। तो पीहू बहुत एक्साइटेड है ये सब देख करके, क्योंकि लास्ट टाइम वो छोटी थी और तब हम लोग शिप पे थे, तो उसे क्रिसमस का ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। और इस टाइम अब हम लोग बाहर हैं, लैंड पे हैं, तो इसे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि सेंटा क्या होता है, क्रिसमस पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्रिसमस ट्री कितना बड़ा सा है, और वो देख करके बहुत खुश हो रही है। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और देखिए पीहू कितनी ज़्यादा खुश हो रही है अपने छोटे छोटे कपड़ों को देख करके। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इस समय, हम लोग शॉपर स्टॉप में हैं, और देखिए यहाँ पे 50% ऑफ में काफ़ी अच्छे फ्रॉक्स भी लगे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड भी उधर देख रहे हैं कुछ कुछ कि क्या क्या सेल चल रही है और किस किस ब्रांड में क्या क्या ऑफ़र है। तो बस मैं आपको थोड़ा उसका ओवरलुक दे रही हूँ। यहाँ पे गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और 50% ऑफ है, ये देखिए। तो बस मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया इसको, कि आप लोग भी अगर आसपास कहीं रहते हैं तो आप भी जा सकते हैं इस समय मॉल में, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन और आपको ऑफ़र मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ओनली पे भी काफ़ी अच्छा ऑफ़र है, और मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना वीडियो। और टॉप्स में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, उसमें भी ऑफ़र है। तो लेकिन जितना अच्छा ऑफ़र, मतलब जितना अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, उतना अच्छा मुझे कलेक्शन यहाँ का नहीं लग रहा है। क्योंकि हम लोग जब अंधेरी में रहते थे, तो अंधेरी वाला जो शॉपर स्टॉप था, वहाँ का कलेक्शन A1 था। मतलब इतना अच्छा कलेक्शन था ना, कि आप जाएँ तो आप वहाँ से बिना लिए कुछ आ ही नहीं सकते हैं। बट यहाँ पर अगर देखो तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, बट फिर भी ठीक है, एवरेज है। तो मैंने कुछ कुछ यहाँ से लिया है, एक दो कुर्ती ली है, तो वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखा दूँगी। और बस यहाँ पर मैं कुर्तियाँ ही देख रही हूँ, क्योंकि मुझे टॉप नहीं अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे पीहू की ड्रेस के लिए, तो यहाँ हम लोग पीहू के लिए कुछ कुछ कपड़े देख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है बच्चों के लिए। तो आप लोग चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पीहू भी अपनी एक एक टी शर्ट उठा के कह रही है, मम्मा ये वाली अच्छी है, मम्मा ये वाली अच्छी है। तो बस हम लोग यहाँ से भी देख लेंगे कि हमें क्या लेना है क्या नहीं, और काफ़ी रश है यहाँ पर। तो अगर आप लोग आते हैं तो वीकेंड में अगर आएँगे तो काफ़ी, मतलब काफ़ी भीड़ होती है, बिलिंग के में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है।
की शॉपिंग हो गई है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, उसमें से हम लोग ने कुछ कुछ चूज़ किया है। पता नहीं मुझे आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पीहू बैठी हुई है यहाँ पे, ये ट्रेन में ये जो बस है उसमें वो इंजॉय कर रही है। और अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो वही हम लोग जाएंगे डिनर करने। तो अभी हम लोग आ गए हैं बारबेक्यू नेशन, मतलब कि बीबीक्यू, और यहाँ पे देखिए क्रिसमस ट्री सजा रखा है। तो हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वोटो भी यहाँ पे क्लिक किए हैं। और जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ देखिए कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। तो एक्चुअली बात यह है कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उनका पेपर क्लियर हो गया है, जो कि मेरे हस्बैंड भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट उनका पेपर क्लियर हुआ है, तो यहाँ पे उनके लिए ही ये डांस प्ले करवाया गया है। और ये हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो कि अभी आपको दिखाई दिए थे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. क्योंकि दो दिन बाद क्रिसमस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केक की भी कितनी ज़्यादा वैरायटी है। तरह तरह के केक हैं, फ्रूट केक है, जिंजर केक है, बनाना केक है। तो मैंने आप लोगों के लिए इसको भी रिकॉर्ड किया कि आप लोग भी देखिए कि यहाँ पे कितने सारे वैरायटी के केक हैं, और काफ़ी कुछ है यहाँ पर खाने के लिए बारबेक्यू में, जैसे कि आपको पता ही होगा। और अभी हम लोग यहाँ पर केक कट करवा रहे हैं, उनको अच्छे से उनको स्पेशल फील करवा रहे हैं। तो अभी हम लोगों का स्टार्टर हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ मेन कोर्स में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए क्या क्या वैरायटी है। साग है, और हम लोगों को इन्होंने मक्के की रोटी भी दी थी, जिसमें हम लोगों ने अच्छा खासा बटर लगा के खाया, जो कि काफ़ी टेस्टी था। और पहले भी आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, हम लोग आए थे मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में बारबेक्यू, तो वो भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हम लोग ने किया था यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है कुल्फ़ी फलूदा की भी, तो मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड तो नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पर कर चुकी हूँ रिकॉर्डिंग।
तो अगर आपने मेरे बर्थडे वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हम लोग अपने घर निकल रहे हैं और काफी देर हो गई है, तो चलिए फिर ये व्लॉग मैं यही फिनिश कर देती हूँ। मैं मिलूंगी आपको कल अपने अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी मैरी क्रिसमस। Say.